हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और अभी मॉर्निंग का समय हो रहा है तो मैं सुबह की चाय बना रही हूँ और चाय के साथ बना रही हूँ गोभी के पराठे। तो गोभी के पराठे की रेसिपी मैं बता चुकी हूँ आपको, इसलिए आपकी बात शेयर नहीं करूँ। और मैं पराठे बना रही हूँ सुबह को, तो हम लोग नाश्ता कर लेंगे, चाय से पराठे खा लेंगे गोभी के, और उसके बाद हमें जाना है अपने भाई की एंगेजमेंट में। और मामा मामी की सालगिरह भी है और भाई की भी इंगेजमेंट है, तो बस दोनों हैं फंक्शन, तो बस हमें वहाँ जाना है। तो हम बस नाश्ता करके और तभी निकल जाएंगे हम। तो हम कर लेते हैं नाश्ता। हेलो एवरीवन, कैसे हैं। और अभी मैं रेडी हो गई हूँ, देख सकते हैं आप, क्योंकि मैं जा रही हूँ अपने भाई की इंगेजमेंट में। तो वहीं मिलती हूँ आपसे। और मैं कैसे लग रही हूँ बताइए मुझे। तो मैंने आज ये वाली साड़ी डाली है, ये मैंने अपनी नंद की शादी में ली थी, तो ये वाली साड़ी डाली है। और बस मैं बस निकल रही हूँ और डायरेक्ट आपको वहीं मिलूंगी। तो चलिए चलते हैं और मिलती हूँ। आज मैं आपको अपने मायके में घुमाऊंगी, चलिए मिलते हैं। यहाँ पर हो रहा है टीका की जो रस्म है वो यहाँ पर होगी, और जो गोद की रस्म है वो बारे में। और आज मेरे भाई की इंगेजमेंट भी है और मामा मामी की सालगिरह भी है, तो दोनों ही होगा। तो बस यहाँ पर अभी टीका हो रहा है। और अब हम लोग जा रहे हैं गुरुद्वारे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि गोद भराई की जो रस्म है वो गुरुद्वारे में हो रही थी, तो ये हमारे वहाँ का ही एक मायके का गुरुद्वारा है, बहुत बड़ा गुरुद्वारा है। तो वहीं पर बस जा रहे हैं सब लोग, पास में ही है, तो गुरुद्वारे में ही होगी गोद भराई। और ये है दुल्हन बीच में, आप देख सकते हो। गोद भराई की रस्म शुरू कर दी गई है, तो सबसे पहले बड़े भाई के हाथों से ही शुरू करी गई है सब रस्म, और जो बहनों के हाथों से भी शुरू करी जाती है। जो भी गोद भराई में देते हैं तो बहन और भाई देते हैं अपने हाथों से, तो भाई ने दे दी, उसके बाद बहन कहाँ आएगी। Yeah.
ये है छोटी बहन मेरी, फायर बना रही है।
Thank you.